नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एक ऐसे ऐप के बारे में जिस ऐप से आप जितने भी आपके बैंक अकाउंट में अकाउंट है यानी आपका अकाउंट है तो आप चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना बैलेंस है। सभी बैंकों का चेक कर सकते हैं एक ऐप से। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसे ऐप के बारे में जो आपको सभी बैंकों का बैलेंस एक ही ऐप में आपको दिखाएगा और स्टेटमेंट भी दिखाएगा कि आपने कितना निकाला है, कितना जमा किया है। तो हम चलेंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर आपको बैंक लिखना है, बैंक पासबुक। तो बैंक पासबुक यहाँ आ गया है, तो मैंने क्लिक कर दिया है, यहाँ आ गया। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए यानी डाउनलोड कर लीजिएगा। और इंस्टॉल कर लिया है तो ओपन करता हूँ मैं। ओपन करेंगे तो स्टार्ट पे क्लिक करना है हमें। ऊपर जो तीन टिक दिखा रहा है इन पे हमें कुछ नहीं करना है। वेब वीजा स्टेटस सेव ऑल बैंक बैलेंस वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग, इस पर हमें कुछ नहीं करना है। हमें नीचे देखिए आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट पे क्लिक करते ही आप ऊपर से चूज़ कर लीजिए कि आपकी कौन सा बैंक है। तो मैं यहाँ बैंक ऑफ इंडिया चूज़ करूँगा क्योंकि मेरा बैंक ऑफ इंडिया में खाता भी है। और चूज़ करते हैं तो चलिए मैं बैंक ऑफ इंडिया तो दिखाई नहीं दे रहा, सिंडिकेट पे ही क्लिक कर लेता हूँ। सिंडिकेट में भी है मेरा बैंक ऑफ इंडिया, सब कुछ है इसमें, जितने भी आल हैं ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। ऐसे मैंने ध्यान नहीं दिया, सेलेक्ट है। यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में मेरा खाता है, इसमें बैलेंस इतना है, आप देख सकते हैं 1003 रुपये हैं जो कि मैंने जमा किए थे। और ये टोटल बैलेंस है, मैंने इसमें से निकाला नहीं है। और इसमें बैलेंस चेक कर लेते हैं, इसमें हैं 2019 रुपये जो कि इसमें मैंने कितने निकाले थे, कितने जमा किए थे, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि जब भी मैं पहले वीडियो डालूँ तो आपके पास जाए। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और ये एक्सिस बैंक का है तो इसमें भी हमने देख लिया, और पंजाब नेशनल में, और हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक भी है, एयरटेल पेमेंट बैंक भी है, सिंडिकेट भी है। अब जैस जो मर्जी चेक कर लीजिए, जैसा जो बैंक अकाउंट में आपका है वो सब चेक कर सकते हैं आप। इसमें आप देख सकते हैं 2000 मैंने डाला था, 1999 रुपया, और फिर 1 रुपया मैंने पहले फिल करके देखा था कि जा रहा है कि नहीं, तो चला गया था। तो जैसे ही मैंने पूरा पैसा भेजा 2000, तो इसमें 2000 पूरे पड़े हैं। और इससे हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बैलेंस, सिर्फ हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना बैलेंस है, और हम देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस कितना बचा हुआ है और हमने कहाँ कितना भेजा था। और हमने जब भेजा था तो यहाँ अकाउंट नंबर तो नहीं दिखाएगा, पर रिफ़र नंबर ज़रूर दिखाएगा, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर आप चेक कर लीजिए, जे आप बाई चांस भेज दिए हैं किसी गलत पे तो रेफरेंस नंबर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप जितना अकाउंट नंबर आपके हैं वो यहाँ से आप चेक करके आप रेफरेंस नंबर अपने देखकर चेक कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं, जिसके मान लीजिए जिसको आपने अकाउंट नंबर बैलेंस भेजा है किसी के अकाउंट पे वो अगर नहीं मान रहे हैं तो। तो दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद नया पेज खुल जाएगा तो हम अलाउ करेंगे। अलाउ करते ही यहाँ नंबर आ रहे हैं मिनी स्टेटमेंट का। यस, मिनी स्टेटमेंट चाहिए तो यहाँ कॉल कीजिए, और बैंक बैलेंस आपको मैसेज के द्वारा चाहिए तो यहाँ से आप कॉल कीजिए, सिंडिकेट के द्वारा मिलेगा आपको, यहाँ आपको दिख रहा है। अगर जो कस्टमर केयर से बात करना है तो इससे बात कीजिए। और अगर आप मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया में हमें स्टेट बैंक से बात करनी है तो स्टेट बैंक का यहाँ पे दिखा देगा, यहाँ बैलेंस इंक्वायरी के लिए दिखा देगा और मिनी स्टेटमेंट का भी दिखा देगा और कस्टमर केयर का नंबर भी दिखा देगा। तो अब हमें मतलब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें अगर मान लीजिए कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप नंबर यहाँ से ले लीजिएगा, यहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट,
जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है और एसएमएस बैंकिंग भी लिखा हुआ है, जो कि मैंने एसएमएस बैंकिंग अभी यूज नहीं किया है। नेट बैंकिंग मैं खुद चलाता हूँ, तो मैंने यहाँ से अभी मतलब रजिस्टर नहीं किया है अपना यूज़र आईडी डालकर। तो अगर आप चलाना चाहें तो आप यहाँ से चला सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं स्टेट बैंक का लोगो आ गया है और कंटिन्यू टू लॉगिन। तो कंटिन्यू टू लॉगिन पे करने क्लिक करेंगे, जैसे ही आपसे आप मांगेगा आपको आपसे मांगेगा कि यूज़र नेम नवरिए और पासवर्ड, और यहाँ पे जो कैप्चर है वो फिल करना है यहाँ पे। तो ये भरने के बाद आप नेट बैंकिंग भी चला सकते हैं इसमें। तो हम मैं फ़िलहाल अभी नेट बैंकिंग इस पे नहीं, मैं अपना खुद का मोबाइल, जो अगर आपको चलाना भी हो तो बैंक का ऐप आता है एक, जो कि उनकी अपनी पर्सनल होता है, उसी से चलाएं, किसी अदर ऐप में लॉगिन ना करें, मैं तो यही सलाह दूंगा। तो चलिए आप भी डाउनलोड कर लीजिए और चेक कर लीजिए अपना बैलेंस किसी भी बैंक से। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि सबसे पहले अगर मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी मिले। और कोई सुझाव और सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा।